अलीगढ़ में इस वक्त जो खबर आ रही है, कोरोना पॉजिटिव एक और शख्स मिला है, यानी कि अलीगढ़ से जो खबर आ रही है कोरोना पॉजिटिव शख्स के मिलने के बाद कही जा रही है, जमात में यानी कि तबलीगी जमात में युवक ने शिरकत की थी। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया शख्स को, पूरे परिवार को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है, यानी कि तादाद उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। खबर अलीगढ़ से है जहां पर तबलीगी जमात में युवक ने शिरकत की थी और उसके बाद में उसे कोरोना का पॉजिटिव पाया गया। मेडिकल कॉलेज में उस शख्स को भर्ती करा दिया गया है, साथ ही साथ में उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में जब तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर निजामुद्दीन के मरकज में लोगों ने शिरकत की थी और उसके बाद में अपने अपने इलाकों में गए, अलीगढ़ से खबर जहां पर एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रमोद कुमार हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। प्रमोद, जो संख्या है मरीजों की वो लगातार इजाफे की तरफ बढ़ रही है, अलीगढ़ से एक और खबर, और ऐसे में उसके साथ साथ उस युवक के साथ साथ उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन करना जाहिर तौर पर मजबूरी थी। क्या कहा जा रहा है इस शख्स को लेकर के, कैसे हुआ इसे? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये अभी 23 तारीख को दिल्ली से ही वापस आया था जमात में से, और आने के बाद ये अपने घर में अंदर था और इसने किसी को भी ये बात नहीं बताई कि वो दिल्ली से वापस आया। अड़ोसी पड़ोसियों को जैसे ही जानकारी हुई, जानकारी के बाद तत्काल सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम बुला ली। टीम बुलाने के बाद कल रात इसे दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। भर्ती होने के बाद जब इसकी रिपोर्ट आज मेडिकल कॉलेज से आई है, उसमें पॉजिटिव पाया गया है। जैसे ही पॉजिटिव पाया गया तो उसके घर के अन्य सदस्य यानी पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं, पांचों लोगों को एडमिट दीनदयाल हॉस्पिटल में कर दिया, जहां इलाज डॉक्टरों की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारी वहां गांव में पहुंच गए, गांव में लगातार फॉगिंग का कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार और जिलाधिकारी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग जमात में गए थे या अन्य कई जगह बाहर से आ रहे हैं, वो आकर प्रशासन को सूचना दें जिससे कि उनकी जांच हो पाए। बावजूद इसके लोग घरों में छुप जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें, सीधे तौर पर कहा जाए जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि जब ये दिल्ली से वापस आया था और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि कई अन्य जगह भी गया है, और दिल्ली ये 12 तारीख को पहुंचा था। 12 तारीख के बाद लगातार 23 तारीख तक ये दिल्ली की जमात में रहा है, जिस जगह से अब तक लगभग भारी तादाद में लोग पॉजिटिव पाए गए और वहीं से ये वापस आया था। अभी की जो हालात है, अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची हुई है जहां लगातार फॉगिंग का कार्य चलिए। प्रमोद, बहुत शुक्रिया इन जानकारी के लिए।